जो बीजेपी का मॉडल है, दो हिंदुस्तान का दो गुजरात का मॉडल, कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती। आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, बैंक के सामने आपको खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जो काम उन्होंने गुजरात में शुरू किया वो आज हिंदुस्तान में कर रहे हैं। जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता था, आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है, और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। पहले ये गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती है। हमें दो नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए और उस हिंदुस्तान में सबका आदर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल, स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। जो बीजेपी का मॉडल है, दो हिंदुस्तान का दो गुजरात का मॉडल, उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है, कमजोर लोगों का है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। मगर इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। यूपीए की सरकार थी तो हमने पूरी कोशिश की, जो हिंदुस्तान का धन है, जल, जंगल, जमीन, हमने पूरी कोशिश की कि इसका फायदा हिंदुस्तान के आम नागरिक को, दलितों को, आदिवासियों को, युवाओं को, सबको मिले। और हमने बहुत बड़े कदम उठाए, पैसा कानून लाए जिसके माध्यम से आपकी जमीन, जो आपका हक है, आपको वापस मिले, मनरेगा दिया
100 दिन काम की गारंटी, पूरे देश में उसको चलाया और करोड़ों लोगों को मनरेगा से फायदा मिला। जमीन अधिकरण बिल लाए। पहले क्या होता था, बिना आपसे पूछे आपकी जमीन छीन ली जाती थी, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था, कभी कभी व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता था कि उसकी जमीन छीन ली गई। अंग्रेजों के समय का कानून था, हमने उसको बदला, बिना पूछे आपसे जमीन नहीं ली जा सकती। अगर जमीन ली जाएगी, पूछकर ली जाएगी और फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह हमने करके दिखाया। बीजेपी आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं मैं इसको रद्द करना चाहता हूं मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को याद हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। और आज देखिए, कोविड के समय अगर मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत आपको मालूम। और उसी प्रोग्राम को बीजेपी आज चला रही है। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, बैंक के सामने आपको खड़ा कर दिया। पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था, पूरे देश ने अपनी कमाई का पैसा बैंक में डाला। काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ,